नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेसेस पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, एग्जांपल्स आते हैं। डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट पॉइंट की, एट रन पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। तो अब एग्जांपल देखो क्या है। लेट आर डी दिस बी द यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, देन फाइंड डिराइव सेट ऑफ द फॉलोइंग। डिराइव सेट फाइंड आउट करने हैं। पहले तो ये देखो, डिराइव सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं, देखो फर्स्ट क्या है, ए हमारे पास है 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, डिराइव्ड सेट निकालना है। डिराइव्ड सेट के लिए हमें क्या चाहिए, इसका लिमिट पॉइंट्स। तो देखो ए सेट में n की जगह 1 पुट करते हैं, आ जाता है 1, 2 पुट करेंगे 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं, क्या क्या आ रहा है देखो, 1, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया 1/2, फिर 1/3, 1/4 अप टू सोन। ये तो है ओपन में, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले हम चेक करते हैं क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है। क्या करेंगे, 1 माइनस के एप्सिलॉन और 1 प्लस के एप्सिलॉन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है, ये जो सारा आया है आपका 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन आप ए सेट के साथ करते हो और माइनस के सिंगलटन 1 करते, ये किसके इक्वल आ गया, फाइ के। सो दिस 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। ऐसे ही अब 1/2 लो, 1/2 ले लेंगे तो फिर से माइनस 1/2 करेंगे ना इंटरसेक्शन के साथ, तो वो भी पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन करते हैं, डेट इज 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन स्फीयर होगी, इसका इंटरसेक्शन ए से करके और 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये नॉट इक्वल टू फाई आएगा, और बाकी सभी केसेस में ये क्या आता है हमारे पास, नॉट, ये इक्वल टू फाइव आ जाता है। यहां क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाइव, देयरफॉर 0 इज ओनली द लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो अब इस सेट में आप a डैश लिखोगे तो सिर्फ क्या आएगा, सिंगलटन 0, या d ऑफ a भी लिख सकते हो। d ऑफ a क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। हाँ भाई, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें हमने कल लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, कि एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, एक्स को लिमिट पॉइंट कब कहते हैं, जब एक्स को सेंटर मान के आर रेडियस की जितनी भी स्फीयर्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन ए से लो और माइनस सिंगलटन एक्स करेंगे, वो नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 के लिए भी फाई है, 1/2, 1/3 सब के लिए फाई आएगा, बट 0 ओनली एक ऐसा पॉइंट है, उस केस में ये इंटरसेक्शन माइनस 0 के आएगा, नॉट इक्वल टू फाई, सो 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। ठीक है, देखो और देखते हैं अभी सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, इसका डिराइव्ड सेट देखना है, तो सबसे पहले ये तो 0 है क्लोज्ड और ये 1 ओपन,
तो जीरो माइनस एप्सिलॉन जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो बिटवीन टू रियल नंबर्स देर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। तो देखो जीरो माइनस एप्सिलॉन जीरो प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन आप जीरो वन ओपन एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं, माइनस के जीरो करोगे ये पक्का नॉट इक्वल टू फाइव आएगा एवरी एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, ऐसे ही वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन भी जीरो वन के साथ वन निकाल देंगे वो नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। और बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे तो लिमिट पॉइंट्स हैं, देयरफॉर जो डिराइव्ड सेट ऑफ ए, इसको ए अगर कंसिडर करें तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो भी आ गया वन भी आ गया और बीच के सारे पॉइंट्स भी ये आ गए। हाँ भाई इसमें कोई डाउट? चलो जैसे ही थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हम नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, वन टू थ्री फोर एंड अप टू सो। जैसे ही आपने वन माइनस एप्सिलन वन प्लस एप्सिलन किया, ठीक है, वन माइनस एप्सिलन वन प्लस एप्सिलन, इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ लोगे और माइनस के सिंगलटन वन कर दिया तो वो तो फाइव आएगा। देखो भाई वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ तो सिर्फ एक वन आया, और वन निकाल दिया तो किसके इक्वल आएगा, फाइव के। सिमिलरली टू माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन एन के साथ ये भी किसके इक्वल आएगा, फाइव के, एंड अप टू सो सभी। और बाकी अदर पॉइंट तो इसके भाई लिमिट पॉइंट बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो डिराइव्ड सेट होगा नेचुरल नंबर का वो किसके इक्वल होता है, फाइव के इक्वल। हाँ भी बताओ, ठीक है ना इतना? अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यों, फोर्थ पार्ट जो है क्यों, क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हम रियल लाइन लें। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर लेते हो आप, कोई भी रियल नंबर चाहे वो रैशनल है या इरेशनल, मान लिया रैशनल जैसे वन ले वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन, तो इसका इंटरसेक्शन रेशनल के साथ तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आएंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज ए लिमिट पॉइंट। ऐसे ही इरेशनल ले वो भी, अब यहाँ देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन, इसका इंटरसेक्शन क्यू से लेके और माइनस के एक्स करोगे नॉट इक्वल टू फाइव आएगा, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो डिराइव सेट ऑफ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर। ठीक है, डिराइव सेट किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल। अब नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट इसको डिनोट करते हैं, देखो ए के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है भाई, लेट एक्स टी बी एनी मैट्रिक्स, हाँ, क्लोजर सेट नहीं क्लोजर पॉइंट, एड रेंट पॉइंट और क्लोजर पॉइंट ये दोनों सेम। ठीक है, यहां पर क्या है, क्लोजर ऑफ ए सेट है। ठीक है, एक्स एक्स टी कोई मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स है, तो ए क्लोजर क्या होता है, दिस इज ए यूनियन ए डैश, इसको बोलते हैं क्लोजर सेट ऑफ ए, या सेट ऑफ ऑल क्लोजर पॉइंट ऑफ ए, या सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, ए के जितने भी एडरेंट पॉइंट्स हैं उन सबकी कलेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोजर सेट। ठीक
ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं, देखो। आरडी वो यूजुअल मैट्रिक्स, वे आरडी तो क्या है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। और जिसमें मैट्रिक्स क्या डिफाइन है, डी एक्स वाई। यूजुअल में तो हम ऐसा लिखते हैं ना, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अब हम एक क्लोजर ऑफ द फ्लोइंग सबसेट्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, देखो, हम सबसे पहले ए डैश हमने निकाल लिया। ए डैश क्या था, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ दिस सेट, वो सिर्फ क्या आया था, जीरो। और ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए डैश। तो इसका मतलब 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन विद सिंगलटन जी, ये आ जाए क्लोजर, ठीक है। इतना कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, अब सेकेंड पार्ट क्या है, हमें आई सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका क्लोजर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्लियर है इतना, अब ठीक है। चलो अब करते हैं इसमें, देखो आई गिवन है, आई आई सेट ऑफ इंटीजर्स, देखो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 अप टू सोन, ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आएंगे ना पॉइंट्स। तो 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, अब इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लोगे सिर्फ 1 आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन आई से और माइनस के 1 करोगे, ये किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा। इतना ठीक है क्या? ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई या एक्स बिलोंग्स टू आर कहें हम इसको, आर कह सकते हैं, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन आई से करो, सिंगलटन एक्स लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव इक्वल। ओके, सो कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, तो आई डैश जो डिराइव्ड सेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव इक्वल। तो आई क्लोजर निकालना है हमें, किसके इक्वल होता है, आई यूनियन आई डैश। तो आई यूनियन फाइव दिस इज इक्वल टू आई। हाँ अब ठीक है इतना। चलो अब हम लेते हैं जैसे थर्ड एग्जांपल क्या है, क्यू। क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले क्यू डैश हमने लास्ट एग्जांपल में करवाया था, क्यू डैश किसके इक्वल आया था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्यू क्लोजर किसके इक्वल होता है, क्यू यूनियन क्यू डैश, दिस इज क्यू यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, आर के, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है अब क्लोज सेट की। क्लोज सेट ए सबसेट एफ ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी, दिस इज सेट टू बी क्लोज्ड। ये क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट एक्स माइनस एफ, दिस इज एफ कंप्लीमेंट,
ये क्या जाए ओपन। कोई सेट क्लोज्ड कब होगा, जब उसका कंप्लीमेंट क्या आ जाए ओपन आ जाए। अदर डेफिनेशन क्या है कि भाई एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस, एफ सबसेट ऑफ एक्स है, देन एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, डेट इज जो एफ डैस है वो किसके अंदर कंटेन हो जाए, एफ के। ठीक है, ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद करोगे। अब हम एक थ्योरम करते हैं। इसमें क्या थ्योरम है हमारे पास कि भाई लेट एक्स टी बी एनी मैट्रिक्स स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स है, ए की बजाय एफ ले लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं है इसमें। तो एफ सबसेट ऑफ एक्स दिस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस एफ डेट इज एफ कंप्लीमेंट इज ओपन। ये प्रूव करना है, ठीक है। या फिर दूसरी एफ कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं एफ सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज्ड। तो एफ क्लोज्ड है, ठीक है, और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एफ कंप्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, इफ एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 देन इट इज ओपन, इफ एफ कंप्लीमेंट नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है तब हम प्रूव कर देंगे। तो जब 5 के इक्वल नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं x किस में है, f कंप्लीमेंट में। x जब f कंप्लीमेंट में आता है तो इसका मतलब x हमारा f में नहीं होगा। अब f क्या गिवन है, f तो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो f सेट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, देयरफॉर x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। क्यों, अगर लिमिट पॉइंट होता तो ये f में ही होता ना। ठीक है, तो जब लिमिट पॉइंट नहीं है दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स, कम से कम एक ऐसी ओपन स्फीयर आएगी सच दैट एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एफ के साथ और एक्स सब्ट्रैक्ट करें वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव के इक्वल। अब एक्स तो एफ में है ही नहीं, है नहीं, तो एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एफ के साथ ही फाइव हो गया। इसका मतलब जो एस आर एक्स है वो किस में कंटेंड हो गया, एफ कंप्लीमेंट में। हेंस एफ कंप्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, बट एक्स तो हमने क्या लिया था, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो एफ कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ठीक है, कन्वर्सली कन्वर्सली हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ कंप्लीमेंट इज। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव एफ इज क्लोज्ड, भाई एफ को क्लोज प्रूव करना है, दैट इज एफ कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो लेट कर लेते हैं एक्स बी ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ एंड इफ पॉसिबल लेट कर लेते हैं एक्स एफ में नहीं है। अच्छा, एक्स एफ में नहीं है तो इसका मतलब एक्स किस में आएगा, एफ कंप्लीमेंट में, एंड एफ कंप्लीमेंट क्या है, ओपन है, देयरफॉर एफ कंप्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, सो एस आर एक्स जो है वो किस में कंटेन होगा, एफ।
कंप्लीमेंट्री नेबरहुड हो गया ना फिर ये, तो ये इसमें कंटेन है। तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ ये कंटेन होगा, एफ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ में जो किसके इक्वल है फाई के, तो एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू फाई हो गया, देयर फोर एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है क्यों, हमने क्या सपोज किया था, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, देयरफॉर एक्स मस्ट बिलोंग्स टू एफ, सो एफ कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, एफ अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, देयरफॉर एफ इज क्लोज्ड। ठीक है, हाँ भी इसमें किसी को कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, कर लोगे इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या आती है कि भाई एक्स डी बी एनी मैट्रिक्स स्पेस, देन ईच क्लोज स्फीयर, तो ये थ्योरम आपके लिए है, जैसे हमने पीछे किया था इच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ऐसे इच क्लोज स्फीयर इज एन क्लोज सेट, बिल्कुल सेम टिकटॉक प्रूफ है, तो हम खुद ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसमें, लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस, ठीक है, देन एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स इज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो क्या है, अच्छा फर्स्ट है और सेकंड पार्ट क्या है, चलो मैं पहले फर्स्ट का ही प्रूफ करता हूं। एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेट किया एफ लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, दिस बी एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स ले लिया है। ठीक है, और लेट कर लेते हैं एफ इन सब का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव एफ इज क्लोज्ड। अब एफ को क्लोज्ड प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या प्रूव कर देंगे, x माइनस एफ को ओपन, तो x माइनस इंटरसेक्शन एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसको हम यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा x माइनस एफ लिख सकते हैं, एफ लैम्डा। ठीक है, देखो ईच एफ लैम्डा इज क्लोज्ड, देयरफॉर x माइनस एफ लैम्डा इज ओपन, एंड वी नो दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स अगेन एन ओपन सेट। ठीक है, सो यूनियन x माइनस एफ लैम्डा क्या हो जाएगा, दिस इज ओपन, डेट इज जो x माइनस एफ है दिस इज ओपन, ये ओपन है सो f इज क्लोज्ड। अब क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ
closed sets in x is closed. तो ये हम खुद ट्राई कर सकते हैं कैसे, f1 f2 fn हमने फाइनाइट क्लोज सेट ले लिया, तो उसकी यूनियन लेके उसको f कंसीडर करके उसको भी हम क्लोज्ड प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 13th एग्जांपल तक हम इसमें कंप्लीट करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।